गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, SBD स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा, हमने 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम क्या था, रासायनिक अभिक्रिया एवं बलगतिकी स्टार्ट कर रखा था। इसके बेटा दो लेक्चर हो चुके हैं और दोनों के दोनों लेक्चर कैसे हैं, बेसिक लेक्चर ध्यान रखना। जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। अगर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आता है, प्लस का चार्ज आता है, यानी कि क्या बनता है, बनाता है धनायन का निर्माण करता है। इसी के साथ अगर कोई भी परमाणु एक इलेक्ट्रॉन या कितने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो किस कैसा चार्ज आता है उसके ऊपर, माइनस का चार्ज आता है। और ऐसे कोई भी परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, ऋण आयन का निर्माण करते हैं। फिर हमने पढ़ा था इसके बाद संयोजकता या ऑक्सीकरण अंग, यानी कि कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जितने ग्रहण करता है, जितने साझा करता है, उसी क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक की संयोजकता कितनी होती है, 2। तो जिंक कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। क्लियर है। इसी के बाद हमने क्या किया था लेक्चर नंबर 2 में, इन आयनों का यानी कि धनायन और ऋणायनों का उपयोग करके हमने क्या बनाए थे, अणु सूत्र बनाए थे, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास 11 धनायन थे और 11 ऋणायन थे, इनको मिला के आपको क्या करना है, 121 अणु बनाने थे। जिन बच्चों ने एक्चुअल में मेहनत की है या उनको बनाने की कोशिश की है, तो बेटा आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, ऐसे ही मेहनत करते रहना। और जिन बच्चे ने अभी एग्जाम्पल नहीं किए हैं या इस वीडियो को लाइक में लिया है, तो बेटा अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको सिलेबस के साथ साथ बेसिक पॉइंट भी करवाए जा रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बिना बेसिक पॉइंट के आप कभी भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाओगे, सिर्फ आपको रटना पड़ेगा। और रटा कितने आप रटोगे इस चीज को, क्लियर है। तो आपको बेसिक्स करवाए जा रहे हैं, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखा करो, इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करा करो और अपना जो मेहनत है आप अच्छे से मेहनत करो, मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ इसमें, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ आप सोच रहे हो कि सर अभी तो स्कूल ओपन ही नहीं हुए हैं फिर हम बाद में पढ़ें, तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट करो, यही है टाइम कुछ करने का आपके पास, ठीक है बेटा। तो आज हम क्या कर रहे हैं, एक बेसिक्स का एक नया लेक्चर 3rd स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया से हमें क्या बनाना है, उस अभिक्रिया की इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, तो जैसे अगर किसी भी पदार्थ में चेंज होते हैं, भाई कैसा चेंज, या तो भौतिक परिवर्तन हो जाए या उसमें रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या है, या तो उस पदार्थ के गंध में चेंज हो जाए, ठीक है, या उसके रंग में चेंज हो जाए, या उसके आकार में चेंज हो जाए, तो ये सारे के सारे कैसे परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जब पदार्थों के रासायनिक गुणों में यानी कि रासायनिक संगठन में क्या होता है, चेंज होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होना या रासायनिक परिवर्तन के द्वारा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सुनना आप सभी, हमारे पास एक मैग्नीशियम की रिबन है, मैग्नीशियम की रिबन है, इस मैग्नीशियम की रिबन को हम जलाते हैं तो ये वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है उससे क्रिया कर लेती है और एक नया पदार्थ का निर्माण करती है और वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या क्या है भाई इसमें, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या किया हमने, सिर्फ एक मैग्नीशियम की रिबन ली, उसको हमने क्या किया, बर्न किया है,
जब इसको बर्न करेंगे तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो वायुमंडल में ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, जिसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब हमें क्या करना है, इस रासायनिक अभिक्रिया से क्या बनाना है, रासायनिक समीकरण बनाना है। तो रासायनिक अभिक्रिया है भाई, क्या हमारे पास कि मैग्नीशियम है, ये जो मैग्नीशियम है ये किससे क्रिया करता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन से क्रिया करता है। जब वायुमंडल में ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है और वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये होता है एक व्हाइट पाउडर के रूप में होता है, यानी कि सफेद पाउडर के रूप में होता है, इसमें ध्यान रखना, पाउडर के रूप में। क्लियर है, तो ये तो एक अभिक्रिया है। तो यहां पे अगर हम बात करें कि कौन कौन आपस में क्रिया कर रहे हैं, भाई मैग्नीशियम किससे क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जो अभिक्रिया करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, या इन्हीं का एक दूसरा नाम होता है वो है क्रियाकारक। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जो भाग लेते हैं या जो क्रिया करते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, या क्या कहते हैं, क्रियाकारक कहते हैं। और क्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, क्रिया फल कहते हैं। क्लियर इसमें, यानी कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें हमारे पास दो पदार्थ रहेंगे, कौन कौन से, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक जो क्रिया करेंगे, उत्पाद जो क्रिया करने के बाद क्या होते हैं, नए पदार्थ ही बनते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को भाई, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें क्या क्या होंगे, अभिकारक और क्या होंगे, उत्पाद होंगे। अब हमें क्या करना है, इस रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, रासायनिक समीकरण बनाना है। तो जैसे अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg होता है। क्लियर है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, यहाँ पे O2 है इसमें। तो मैग्नीशियम किससे क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसका निर्माण करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे अणुसूत्र बनाते हैं, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखो अणुसूत्र कैसे बना है। भाई मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Fg होता है, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस का 2, मतलब इसका ऑक्सीकरण कितना होता है, 2 होता है। इसी तरह ऑक्सीजन अगर इसकी बात करें तो इस पे चार्ज कितना होता है, माइनस का 2। दोनों पे आवेश या दोनों की संयोजकता बराबर है, नहीं है, बराबर है ना। और ये हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर संयोजकताएं बराबर होती हैं तो उसको लिखते नहीं है, इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, MgO लिखा है। इसी तरह ही काम आएंगे जो आपने बेसिक पढ़ा था, ध्यान रखना इसमें। क्लियर है यहां तक, तो यहां पे क्या किया हमने कि मैग्नीशियम की क्रिया कराई है, किससे, ऑक्सीजन से क्रिया कराई है और क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्लियर यहां तक। अब इसी तरह मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जिसके क्या करने हैं, ऐसे ही समीकरण बनाने हैं। अब ये समीकरण क्या होती है, सुना ध्यान से, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक होते हैं, जितने उत्पाद होते हैं, उन सभी को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि ये तो अभिक्रिया थी जिसमें क्या कर रहे थे, मैग्नीशियम की क्रिया कर रहे थे, भाई किससे क्रिया कर रहे थे, ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे थे और क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो तो एक अभिक्रिया है,
लेकिन अगर हमने इस अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक हैं या जितने भी उत्पाद हैं उनको उनके प्रतीकों के रूप में हमने लिखा है तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाएगी रासायनिक समीकरण कहलाएगी। क्लियर है? इसको क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है? अब ऐसे ही मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और दे रहा हूं जिसमें सिर्फ आपको क्या करना है, उनकी रासायनिक अभिक्रिया बनानी है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो आप सभी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि पोटेशियम क्लोराइड की क्रिया हमें करवानी है। किससे करवानी है, इसमें इसकी क्रिया कराते हैं बेरियम सल्फेट से कराते हैं। बेरियम सल्फेट से, ठीक है। अब जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा पोटेशियम सल्फेट, प्लस में इसी के साथ साथ यहां पे उत्पाद बनेगा हमारे पास बेरियम क्लोराइड। क्लियर है? तो यहां पे एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड किससे क्रिया कर रहा है, बेरियम सल्फेट से क्रिया कर रहा है, और किसका निर्माण कर रहा है, पोटेशियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड का। तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इस रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण बनाना है। और कैसे बनाएंगे, मतलब जो भी अभिकारक है, जो भी उत्पाद है, उनका क्या करना है, हमें प्रतीक लिखने हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें अभिकारक कौन कौन है, भाई अभिकारक एक तो पोटेशियम क्लोराइड है और एक क्या है, बेरियम सल्फेट है। क्लियर है? क्योंकि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। इसी तरह उत्पाद कौन है, तो उत्पाद हमारे पास है पोटेशियम सल्फेट है और क्या है, बेरियम क्लोराइड है। क्लियर है? तो यहां पर देखो पोटेशियम क्लोराइड, तो अब आपको शॉर्टकट लिखना है इसका फॉर्मूला, क्योंकि इससे पहले दो लेक्चर आ चुके हैं जिसमें सिर्फ मैंने आपको ये सिखाया था कि कैसे किसी भी अणु का अणुसूत्र बनाते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड का प्रतीक क्या होगा इसमें, KCl। ये क्रिया करेगा किससे, बेरियम सल्फेट से क्रिया करेगा। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, BaSO4। और यहां से क्या बनेगा उत्पाद, पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, K2SO4, प्लस में बेरियम क्लोराइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, BaCl2 होगा। क्लियर है? इसीलिए मैंने आपको दो लेक्चर में बेसिक पढ़ाया था कि आप किसी भी अभिक्रिया के लिए समीकरण कैसे लिख सकते हो। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अगर आप पहली बार क्लास ले रहे हैं तो इससे पहले दो लेक्चर हो चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके ये सर्च कर सकते हो इसमें कि केमिकल फॉर्म, जो आपके पास 10th क्लास उसके जो लेक्चर फर्स्ट और सेकंड देख सकते हो, वहां पे आपको सिखाया गया है कि कैसे कोई आयन बनता है और किसी भी आयन से क्या बनाते हैं, कोई भी अणुसूत्र बनाते हैं। क्लियर है आपका, इसमें कर लोगे आप ऐसे? ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो आप सभी। ये एग्जाम्पल नंबर हमारे पास फर्स्ट था, ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, अब लिखो एग्जाम्पल नंबर थर्ड। इसमें क्या कराना है, पोटेशियम नाइट्रेट या और लेते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, या सोडियम नाइट्रेट लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट की क्रिया हमें करानी है जिंक ऑक्साइड से। और उत्पाद में बनेंगे यहां पे जिंक ऑक्साइड, फिर सोडियम ऑक्साइड, इसी के साथ उत्पाद में बनेगा जिंक नाइट्रेट। ठीक है,
आप बेटा जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको क्या करो, इसका समीकरण लिखो, जल्दी से जल्दी करो बेटा। कर लिया, ध्यान दो उसमें। सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रतीक क्या होता है, Na होता है, और नाइट्रेट का क्या होता है, NO3, दोनों की संयोजकता एक ही होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaNO3, यानी कि सोडियम नाइट्रेट। इसी तरह जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, ZnO। भाई जिंक है उसका इसमें प्रतीक क्या होगा, Zn होगा, इसकी संयोजकता कितनी है, दो है। ऑक्साइड का क्या होगा, ओ, संयोजकता कितनी है, दो है, दोनों की बराबर है तो लिखेंगे नहीं। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास उत्पाद बनेगा सोडियम ऑक्साइड, लेकिन सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है, कितना होता है भाई, Na होता है, और ऑक्साइड कितना होता है, ओ। भाई ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, दो, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें टू लिखेंगे, तो क्या बनेगा, Na2O, और प्लस में क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट, क्या है भाई, जिंक नाइट्रेट, तो जिंक की संयोजकता कितनी होती है, दो, नाइट्रेट की कितनी होती है, एक, इसीलिए नाइट्रेट कैसा है भाई, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NO3 होता है, मैंने आपको बताया था कि ये कैसा है, बहु एटॉमिक है, बहु एटॉमिक का मतलब क्या है, कि ऐसा अणु है जिसमें दो या दो से अधिक क्या, दो या दो से अधिक प्रकार के क्या पाए जाएंगे, एटम पाए जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला बनेगा, इसमें अणुसूत्र बनेगा ZnNO3, और यहां पे क्या आएगा, इसमें ट्वाइस आएगा, इसमें क्लियर है, तो यहां पे हमारे पास एग्जांपल है, अब आप मिलान करो आपका सही है कि नहीं है बेटा, ठीक है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं मैं, मिलान करो बेटा, सही है ना, ठीक है, ठीक है बेटा, मिलान कर लिया होगा आपने, ध्यान दे बेटा बना, क्लियर है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल मिलेंगे जो आपके नोटबुक में दे रखे हैं, वहां से आपको एग्जाम्पल देखने हैं और उनका क्या बनाना है, अणुसूत्र बनाना है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया से आपको क्या करना है, इसमें रासायनिक समीकरण बनाना है, क्लियर है यहां तक सभी को बेटा, आगे चलें। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो रिएक्शंस होती हैं वो एक होती है बैलेंस रिएक्शन, यानी कि संतुलित अभिक्रिया, और एक होती है अनबैलेंस रिएक्शन, यानी कि असंतुलित अभिक्रिया, क्लियर है, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि कौन सी अभिक्रियाएं बैलेंस होती हैं और कौन सी अभिक्रियाएं अनबैलेंस होती है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अगर कोई भी रिएक्शन अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करते कैसे है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे कि मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है ये दोनों क्या है, अभिकारक है, यहां पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों कैसे है, अभिकारक जो ऊपर लिख रखा है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है, उत्पाद है, क्लियर है यहां तक सभी को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पे इनका भार निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, बाहर निकालना है कि अभिकारक है उनका भार कितना है और उत्पाद है उनका भार कितना है, क्लियर है यहां तक भाई। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है, तो इसका परमाणु भार की बात करें तो इसका परमाणु भार कितना होगा, 24 होगा, ठीक है, अभी 24 कहां से आया, तो यहां से देखो परमाणु भार, हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी, ठीक है, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी परमाणु का भार कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी ट्रिक बताऊंगा और कैसे कैसे निकालते हैं, अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि जो मैग्नीशियम है उसका परमाणु भार कितना होता है, 24 होता है। इसी के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी बार है, दो बार है, तो यहां पे दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, अब इनको योग करेंगे तो यहां पे कितना हो गया, 24 प्लस ऑक्सीजन कितने हो गए, 32, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 56, तो यहां पे कितना ग्राम आ गया, ये 56 ग्राम आ गया। अब हम बात करते हैं उत्पाद का कितना भार है,
तो मैग्नीशियम कितनी बार है? एक ही बार है इसमें, तो यहां पे एक मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होगा इसमें? 24 होगा। जबकि ओजन कितना है यहाँ पे? एक ही है, तो ओजन का परमाणु भार कितना होगा? 16। तो 16 और 24 कितने हो गए भाई? कितने हो गए? 40 किरा। अब आप मुझे ये बताओ, क्या अभिकारकों का और उत्पादों का जो परमाणु भार है वो समान है क्या? ठीक है, जो इनका मतलब जो इनका भार है समान है क्या? भाई अभिकारकों का भार कितना आया है? 56 ग्राम आया है। उत्पाद का कितना आया है? 40 ग्राम है। तो यहाँ पे ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों में उत्पादों का परमाणु भार समान नहीं है। क्लियर यहां तक? अब हम बात करते हैं कि इनमें अभिकारक में और उत्पाद में टोटल कितने परमाणु है, इनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो मैग्नीशियम कितना है? एक बार है, मैग्नीशियम एक बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है? दो बार। देखो O2 दो ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो एक और दो कितना हमारे पास? तीन। यानी कि हम बात करें टोटल एटम की, तो अभिकारक में कुल कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? तीन परमाणु भाग ले रहे हैं। उत्पाद की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम एक बार है, ओजन भी कितनी बार है? एक बार। तो टोटल हमारे पास जो परमाणु है वो कितने हैं? दो है। अब आप मुझे ये बताओ कि अभिकारक और उत्पादों में कुल परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है? बराबर नहीं है। अभिकारक कितने हैं? तीन है, और उत्पाद कितने हैं? दो है। तो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों व उत्पादों के ना तो परमाणु भार बराबर है और ना ही उनमें परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों व उत्पादों के परमाणु भार और वे परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं अनबैलेंस रिएक्शन। क्या कहते हैं? अनबैलेंस रिएक्शन, या हम कह सकते हैं असंतुलित अभिक्रिया, असंतुलित अभिक्रिया। इसी का एक दूसरा नाम और होता है कंकाली रासायनिक अभिक्रिया, कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। तो यहां से सबसे पहले अनबैलेंस रिएक्शन या असंतुलित अभिक्रिया या कंकाली रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं अभिकारकों और उत्पादों, अभिकारकों और उत्पादों में परमाणु की संख्या कैसी होती है? समान नहीं होती है। वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती है हमारे पास? असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है यहां तक?